रूप, तुमने यार बताया नहीं तुम शादी के बाद वापस आई हो, कैसा रहा आज तुम्हारा पहला दिन ना वापस आई हो? अच्छा रहा सब, अल्लाह का शुक्र है। साथ जी कैसे हैं? बहुत अच्छे। और यार साथ जी तो पहले भी अच्छे थे लेकिन उसने ये गिफ्ट इसलिए आया मैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। शादी के बाद यार इतनी थकावट हो गई कि मेरा व्लॉग करने का दिल ही नहीं किया। मैं कसम से बिस्तर के साथ जुड़ा रहा हूँ। तबीयत मेरी इतनी को खराब हो गई, माइयों के बाद मेरी तबीयत खराब हुई, पता नहीं नजर लगी, फूड पॉइजनिंग हुई, क्या हुआ, तबीयत बिल्कुल खराब हो गई। कुछ दिन उससे रिकवर किया, संडे को मेरी तबीयत मसा मसा ठीक हुई, बल्कि व्लॉग में आपने देखा भी होगा तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक थी। वलीमा खाया, वलीमा खाने के अगले दिन फिर बीमार हो गया। अब दो दिन से जो पेट फिर खराब है, तबीयत फुल डाउन हुई है, ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं हो रही। तो मैं सोचा यार अब ज्यादा डिले नहीं करते, आज जो है वो व्लॉग कर लेते हैं। तो खैर अभी मैं सो के उठाऊं और आज हमारा प्लान ये है कि हमने बेबी जो आने वाला जो बेबी है उसकी हमने शॉपिंग करने के लिए जाना। एक बेबी मेरा पहले ही है यार, मुझे शर्म क्यों आती है ऐसी बात करते हुए। अच्छा खैर अभी हम जाएंगे उसकी शॉपिंग करने के लिए, तो बस कपड़े चेंज करते हैं इसके बाद फिर निकलते हैं। तो तैयार हो चुके हैं, बेगम भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गया हूँ। अच्छा खैर मैं ये बता रहा था कि मेरी तबीयत जो है वो इतनी खराब हुई है कि मेरा वेट जो है वो दोबारा कॉम्पिटिशन से भी कम हो गया। बल्कि शादी में भी मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे आप तो बड़े बॉडी बिल्डर बने फिरते हैं, आपको क्या हो गया? पहली बात यह कि मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, दूसरी बात यह कि यार तबीयत इतनी खराब हुई है। 67 से 68 के दरमियान में हम आ गए थे, कॉम्पिटिशन पे 64 था, अब मेरा जो वेट है वो दोबारा 64 हुआ है। तो कपड़े जो है वो हर चीज इतनी लूज हुई है, कहां मैं 72 पे था, अब इतना वेट कम करके मुझे खुद भी बड़ा अजीबो गरीब सा लग रहा है। शोर नहीं करते जानू, जब बाबा व्लॉग कर रहे हो शोर नहीं करते, क्या नहीं करते? अब एक्टिंग करेगी, आंखें बंद हो गई। आया आपने तो बाल स्ट्रेट करवाए थे बाबा, हैं कवाली नहीं करनी है आपने? जाओ जाओ शादी का सीजन है, जाओ कवाली कबूली करो, पैसे बनाओ। क्या किया? साबुन मला है हाथ के। क्या मतलब? ये कैसे कहाँ से आया? पता नहीं, वो पड़ा है। पक्की बात है साबुन? हाँ साबुन। पॉटी तो नहीं है? बेगम को जो है ना वो शर्ट अच्छी नहीं लगी, तो बेगम कह रही है कि शर्ट जो है वो चेंज करो, इंसानों वाली शर्ट पहनो। तो अभी जो है हम ये शर्ट पहन के देखने हैं कैसे लगते हैं। यार बेगम को जो है ना वो शर्ट भी अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कहा कि सारा कुछ ही उतार दे और ये जर्सी पहन ले। मसा मसा जो है ना मैं कपड़े पहन के गर्म करता हूँ, दो मिनट के बाद उतरवा देती है और कहती है कि कपड़े चेंज करो। जब आप अपने पुराने कपड़े पहनते हैं तो कभी कभी आप उसमें जेब में हाथ मारते हैं और बड़ा मजा आता है, जेब में से कोई चीज निकलती है। तो मेरी जेब में से भी कुछ ऐसी चीज निकली है। एक जो है मेरी जेब में से निकला है ये कार्ड, सलून का कार्ड है। मुझे नहीं पता कि भाई किस सलून का कार्ड है, मेरी जेब में जो है सलून का कार्ड क्या कर रहा है? मेरा है ये। तुम्हारा है? मैंने रखा था। तुमने रखा था? क्या मतलब? बढ़ गए भाई, मैं उस वक्त से कह रहा हूँ मेरी किस्मत अच्छी है, 100 रुपया निकल देना। ये मैडम तुमने ये हुडी कब, ये जैकेट कब पहनी थी मेरी? मैं गई थी जब कॉलेज गई थी तो तुम मेरी पहन के गई थी। आयरा ठंड बहुत है बेटा, इसको टोपी भी पहनाओ। टोपी पहनती है वो, उतार देती है। चलो जी खैर ये 100 रुपया जो है ये रखेंगे तो हम ही पैकेजेस जा रहे हैं ना, पार्किंग का काम आएगा। आप बैठे जल्दी से, मेरे हाथ में गुग्गा है तो मेरा दरवाजा जो है वो भी आपको खोलना पड़ेगा। शुक्रिया शुक्रिया। यार आरफा जो है उसका शॉपिंग वाला सीन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मैं और आयरा हमें अपना कुछ काम था छोटा मोटा, तो हम वो काम करने गए थे। अभी काम हो गया, अब जा रहे हैं सीधा बेबी की शॉपिंग के लिए। आरफा आधा घंटा हो गया, आपको अभी तक कुछ मिला नहीं? यार पहले जो चीजें ली हैं वो बता दो, क्या क्या लिया? वो न्यू बॉर्न के लिए, गर्ल बॉय जो भी हो, जो भी पकड़ने पकड़ लो, बच्चों को पैर लग जाए ना तो भागते देखो कैसे। अरे मैं आ रहा हूँ, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा, भागना नहीं, भागना नहीं, इधर आओ। वो वहां से चल के ये इधर आके खड़ी हो गई है। गुड गर्ल। इस पूरे मॉल के ना कोई 5 चक्कर मैं लगा चुका हूँ, जब यहाँ पे आता हूँ आरफा यहाँ पे खड़ी होती है। वन इटर्निटी लेटर। जब भी वो चेक कर नूर, वो देख उनको पीछे देख, क्यों आपको इतना प्यार आ रहा है? जफियां डाल जाओ, खुशी से पागल हो गए। वो चेक करें, वो चेक करें, सारे के सारे कपड़े जाके लेके आ गई है।
कौन? ओ आसफा। छोटे बेबी के? छोटे बेबी के। अभी घर वापस आया हूँ और घर आके एक बड़ा मजे का सरप्राइज मिला। रूब अभी आई हुई थी, चली गई है। सरप्राइज ये है कि ये एक परफ्यूम मिला और ये आया है साद के भाई की तरफ से, साद का तीसरा भाई। मुझे बल्कि नीचे कमेंट भी बहुत सारे आए होते हैं कि यार साद का तीसरा भाई, और लोगों को वो पिक करके ना लोग कहते हैं कि ये जो है ये साद का भाई है। तो साद का भाई व्लॉग में ही है, अगर ढूंढना होगा तो आप लोग ढूंढोगे, आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन वो व्लॉग में ही है। तो ज़िया नाम है उसका। तो थैंक यू ज़िया, परफ्यूम जो है बड़ी जरूरत थी मुझे, सर्दियां आ गई हैं, नहाता मैं वैसे ही नहीं हूँ। अबे साले, तुम्हें भी भेजा परफ्यूम है, तुम्हें भी जरूरत है परफ्यूम की? जरूरत तो नहीं, ज्यादा जरूरत है परफ्यूम की नहीं। चलो जाओ खाना खिलाओ, जाओ बनाओ कुछ खिलाओ मुझे, तुम्हें पता नहीं तबीयत खराब हो गई है। जब से मैं इसके घर आया हूँ तब से फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या मतलब? क्या क्या मतलब? इसके घर आने के बाद फूड पॉइजनिंग हुई है। चुप कर जा। दादी अम्मी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मेरे बच्चे, अल्लाह करे आप भी सब लोग ठीक हो। शादी एंजॉय की है? अरे माशाल्लाह यूट्यूब पे चलते मैं देखती रहती हूँ ना। चलो चलो बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत प्यारी हूँ। हाँ जी मैंने सारी शादी मैंने एंजॉय की तुम लोगों के साथ साथ। हाँ ऐसे ही है, हम सबको साथ साथ लेके चले, हमने किसी को पीछे नहीं छोड़ा। बता रहे मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे को तुम्हें याद नहीं, हम छोटे होते गए थे ये वो, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं याद। आप भी बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू सो मच। अलग अलग हो जाते किधर छापा मार दिया। तुम्हारी सारी चॉकलेट खत्म हो गई है, तुम्हारी दोस्त एक और चॉकलेट ले आई है। बताओ सलामा इसमें सबसे अच्छी वाली कौन सी है? चलो ये पकड़ा दो ना, यार अच्छी वाली मुझे दे दो ना, कोई और निकाल। और यार शर्म करो यार, मेरा गिफ्ट है यार। और जाती फिर नहीं है, फिर आ गई आज। अब बताओ 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 था ये गिफ्ट इसलिए आया मैं। उसका नतीजा है। हाँ तुमने वैसे शादी में दिया था ना गिफ्ट दिया था ना। अच्छा ये भी अभी लाई हो? बनता 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 है यार। शादी की पिक्चर्स जो है वो आ गई है, मैं और आसफा हम लोग जा रहे हैं शादी की पिक्चर्स लेने के लिए, क्योंकि ताजा ताजा ब्याह हुआ है तो तस्वीरें जो है वो अभी लगाएंगे ना, ऑब्वियसली बाद में थोड़ी लगाएंगे। यार कॉल जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉल जो अभी आई हुई थी वो हमारी दादी की थी, मतलब एक हमारी दादी जो गाँव में रहती है वो शादी पे आ नहीं सकी किसी वजह से। उन्होंने कॉल की हुई थी, वो अफसोस कर रही थी कि यार वो आ नहीं सकी, तो उनसे बात करके बड़ा मजा आया, दिल को बड़ी ठंडक मिली, बड़ी खुशी हुई। इतने अरसे के बाद मैं गाँव भी पता नहीं कितनी देर हो गई होगी आसफा मुझे गाँव गए हुए, कम से कम भी 10 साल, मतलब शादी के बाद नहीं गया, कम से कम भी 10 साल हो गए, कम से कम। चलते हैं यार चक्कर लगा। मेरा इतना दिल कर रहा है बस ये सर्दी थोड़ी सी कम हो जाए, इसके बाद फिर गांव का चक्कर लगाते हैं। मैं गांव आपको लेके चला गया ना, ओए 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 गांव का बड़ा मजा आना उस्ताद जी, तो गांव का भी कोई ना कोई सीन करते हैं। खैर अभी जाते हैं, सबसे पहले जाके तस्वीरें पकड़ते हैं। और असल में बाहर निकलने का मकसद ये था कि यार मुझे ना जरा मैंने जूस पीना था, मेरा पाइनएप्पल जूस पीने का। जूस पीना बेबी जूस पिएगा? यार मैंने जूस तो मंगवा लिया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये बात घर से सोचता आ रहा था कि मैंने उसको कहनी है और मैं यहाँ पे आके भूल गया। क्या? कैसे बर्फ ना डालना, वो फिर ठंडा ले आया। कहना था ना उसको? भूल गया ना, अब पी के देखता हूँ। थोड़ा सा खट्टा लेकिन चलेगा। अच्छा यार खट्टा तो नहीं, आयरा को नहीं देना यार। आप किस करने लगे हो? फ्लाइंग किस नहीं, असल वाली किस चाहिए मुझे, मैं जा रहा हूँ। बाबा को अपने ऐसे करती फ्लाइंग किस। तू इतनी झल्ली क्यों बनी हुई है वैसे? बोरी पहनी हुई, आटे की बोरी लग रही है। आप क्यों खुश हो रही हो? अच्छा वैसे क्या हो अगर हम इसको ले जाए साथ, क्या करेंगे? हाँ, एक दिन अगर ले जाए तो एक घर में तूफान आएगा, एक घर में शांति होगी। लेकिन तू खुश होगी इसका मतलब? मैं पुरसकून होगी, तू जन्नत में होगी। सारी रात मैंने पकड़ाना भी अब्दुल्ला दोनों बच्चे। यार हम लोग जा रहे हैं घर वापस और अरूप जो है वो आज हमें ड्रॉप कर रही है, क्योंकि वहाँ से फिर रिंग रोड लगती है हमारे घर के पास, तो वहाँ से फिर अरूप जाएगी बहरिया।
तुमने यार बताया नहीं तुम शादी के बाद वापस आई हो, कैसा रहा आज तुम्हारा पहला दिन था वापस आई हो? अच्छा रहा सब, अल्लाह का शुक्र है। साथ जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। और यार साथ जी तो पहले भी अच्छे थे लेकिन मैं अच्छे की भी अपनी गाड़ी दे दी। शादी से पहले भी गाड़ी तुम्हारे पास ही थी, शादी से पहले भी साथ जी बहुत अच्छे थे लेकिन शादी के बाद फील क्या है शादी के बाद, मतलब अगले दिन तुम घर वापस आ गए? हालांकि हम कितना मिलते थे लेकिन फिर भी बहुत डिफरेंट फील, वो फील बहुत डिफरेंट है कि तुम मतलब आई हो। आई फील लाइक अ गेस्ट हियर नाउ। चलो एनीवेज थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग अस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। 350 रूपए। चले फिर आप ऐसा करें, हाँ कम है, ओ सॉरी 3,500 रूपए। अच्छा 3,500 रूपए, जीरो एक नहीं पड़ा। क्या मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अपना ख्याल रखो। फिर रूप इतनी बड़ी ड्राइवर है कि ये गली के अंदर ना यहाँ से गाड़ी इससे नहीं मोड़नी, तो मुझे कैसी गाड़ी मोड़ के दो जी। नहीं तुमने मुझे कहा कितने तुम चला गो, मुझे कह रही गाड़ी मोड़ के दो, समझाओ कि इसके अंदर मैं बैठूं कैसे, मैं कैसे बैठूं मैं? हंस रही आगे से। हेलो हेलो जनवन बहुत छोटा हूँ लेकिन मैं इतना छोटा नहीं हूँ कि मेरी हर चीज ना ऐसे गाड़ी के अंदर घुस के ऐसे लग रही हो, इतनी आगे हद हो गई है यार। चलो ओका फिर बाय 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 ओका फिर ओका फिर आनी 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 को भी पारी कर दो, आनी को भी पारी करो। तो यार घर वापस आ चुके हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।